बदलाव आसान नहीं है, लेकिन यही नियम है। आप चाहें या ना चाहें, बदलाव को स्वीकार करना ही समझदारी है। जहर का प्याला छूने से पहले सुकरात के कहे गए यह शब्द वर्तमान परिवेश में सार्थक सिद्ध होते हैं। हम भविष्य को नई शक्ल देने वाले वर्तमान से गुजर रहे हैं। यह दौर समाज से लेकर खेल के मैदान तक चुनौतियों की लंबी कतार लिए खड़ा है। हमारा चहेता खेल क्रिकेट प्रथम विश्व युद्ध के समान रुक गया है, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के बाद भारतीय क्रिकेट का मेला यानी इंडियन प्रीमियर लीग नई उम्मीदें लेकर लौट रहा है। वो आईपीएल जिसने अनेकों नौजवानों को गरीबी की गोद से उठाकर कामयाबी के बाग में बिठा दिया। वो आईपीएल जो हजारों अटकलों और चुनौतियों के बाद भी विश्व की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट लीग बनकर उभरा। तो आज से शुरू हो रही है नारा टीवी की नई श्रृंखला आईपीएल फ्लैशबैक, जिसमें हम आईपीएल के कुछ यादगार लम्हों को आप सबके जहन में फिर से तरोताजा करेंगे। और आज के इस एपिसोड में बात होगी आईपीएल 2008 के कुछ यादगार लम्हों की। साल 2008 में आईपीएल को भारतीय क्रिकेट बोर्ड द्वारा स्वीकृति देना दो धारी तलवार को हाथ में पकड़ने के समान था, क्योंकि उस समय क्रिकेट में वर्तमान की तरह फ्रेंचाइज और लीग परंपरा सामान्य नहीं थी। लेकिन अपने अटल और साहसिक फैसलों के लिए मशहूर बीसीसीआई ने 18 अप्रैल 2008 से आईपीएल के प्रथम संस्करण की शुरुआत का ऐलान किया। आईपीएल 2008 के प्रारूप के अनुसार 8 फ्रेंचाइज टीमों को डबल राउंड रोबिन मुकाबले खेलने थे, जिसमें 7 मुकाबले घरेलू मैदान पर और बचे 7 मुकाबले अन्य टीमों के होम ग्राउंड्स पर खेले जाने थे। लीग स्टेज में सर्वश्रेष्ठ पॉइंट अर्जित करने वाली टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करती। भारत को पहले आईपीएल विजेता के लिए 45 दिन और 59 मैचों का सफर तय करना था। आईपीएल 2008 के दौरान मैदान और मैदान के बाहर कई विवाद हुए, लेकिन हम आपको याद दिलाएंगे आईपीएल 2008 के दौरान हुए वो 5 बेहतरीन प्रदर्शन, जो अब भी याद आने पर चेहरे को धीमी मुस्कान से रोशन कर जाते हैं। आतिशी अंदाज में उठा पर्दा। आईपीएल अपने आगाज के लिए तैयार था, लेकिन क्या आईपीएल दर्शकों को मैदान तक खींच पाएगा? क्या अन्य खेलों के लीग की तरह आईपीएल सफल हो पाएगा? जैसे अनेकों सवाल और दबाव के साथ ब्रैडन मैकुलम आईपीएल इतिहास की पहली गेंद का सामना कर रहे थे। मैकुलम ने आईपीएल के पहले ही मैच में बेंगलोर के गेंदबाजों की बेरहमी से पिटाई करते हुए 73 गेंदों में 158 रन बनाए। मैकुलम की इस आतिशी पारी में लगे 10 चौकों और 13 छक्कों ने यम चिन्नास्वामी स्टेडियम आए दर्शकों को कभी न भूलने वाली यादें दे दी। मैकुलम की इस शानदार पारी की बदौलत कोलकाता ने 140 रनों के अंतर से मैच जीता। अभी मैकुलम की पारी का खुमार उतरा नहीं था कि दूसरे मैच में चेन्नई की तरफ से माइक हसी ने पंजाब के विरुद्ध 9 गगनचुंबी छक्कों की मदद से मात्र 54 गेंदों में 116 रनों की पारी खेली। इन दो पारियों ने दर्शकों से लेकर आलोचकों तक आईपीएल का फैन बना दिया। आईपीएल इतिहास का सर्वश्रेष्ठ रन सेज। राजीव गांधी स्टेडियम में राजस्थान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। डेक्कन चार्जर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 214 रनों का पहाड़ नुमा स्कोर बनाया, जिसमें एंड्रू सीमंस ने नाबाद 117 रन बनाए हुए थे। 215 रनों के सामने राजस्थान का पहला विकेट मात्र 14 रन पर गिरने के बाद ग्रीम स्मिथ और यूसुफ पठान के बीच मात्र 44 गेंदों में हुई 98 रन की साझेदारी राजस्थान को मैच में वापस ले आई। पठान ने मात्र 28 गेंदों में 61 रन और स्मिथ ने 71 रन बनाए। 186 के स्कोर पर जब कैफ का विकेट गिरा तो राजस्थान को अभी भी जीतने के लिए 17 गेंदों में 29 रनों की दरकार थी। यहां से कप्तान शेन वार ने 2 छक्कों की मदद से मात्र 9 गेंदों में 22 रन बनाए और राजस्थान ने एक गेंद रहते हुए 3 विकेट से मैच जीत लिया। राजस्थान द्वारा प्राप्त किया गया 215 रनों का लक्ष्य आईपीएल इतिहास का सबसे सफल रन चेज है। हैट्रिक ली और खबर भी नहीं। आईपीएल 2008 के यादगार किस्सों में अब बारी है उस हैट्रिक की, जिसका गेंदबाज और साथी खिलाड़ियों को पता भी नहीं चला। हुआ ये था कि कोलकाता ने एडन गॉर्डन में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पहली पारी का 5वां ओवर मखाए एंटनी कर रहे थे। एंटनी के उस ओवर की अंतिम गेंद पर सौरव गांगुली बोल्ड हो गए। मखाए इस ओवर के बाद 17वें ओवर में अपना दूसरा स्पेल लेकर लौटे। एंटनी ने 17वें ओवर की पहली गेंद पर दास और दूसरी गेंद पर डेविड हसी को क्लीन बोल्ड कर दिया। इस तरह एंटनी ने ब्रोकन हैट्रिक ली, लेकिन एंटनी और अन्य खिलाड़ियों को यह बात पता ही नहीं थी। चेन्नई ने मैच जीता और एंटनी को मैन ऑफ द मैच अवार्ड देने के दौरान उनकी हैट्रिक के विषय में बताया गया। उस आईपीएल में 3 गेंदबाजों ने हैट्रिक लेने का कारनामा किया था। एंटनी के अलावा दिल्ली की ओर से अमित मिश्रा और चेन्नई के ही लक्ष्मीपत बालाजी ने हैट्रिक ली थी। बालाजी द्वारा पंजाब के विरुद्ध ली गई हैट्रिक आईपीएल इतिहास का पहला हैट्रिक था।
पर्पल कैप रावलपिंडी गया। जब हम अखंड भारत सुनते हैं तो अक्सर आंखों के सामने एक ख्वाब आता है, काश बंटवारा ना हुआ होता, काश सचिन तेंदुलकर और वसीम अकरम एक ही टीम से खेलते। मगर अफसोस यह एक कल्पना मात्र है। लेकिन आईपीएल ने इस सपने को लगभग पूरा ही कर दिया था। जिस सौरभ गांगुली को आउट करने के लिए शोएब अख्तर घंटों अभ्यास किया करते थे, उनके साथ मिलकर कोलकाता को आईपीएल चैंपियन बनाने की कोशिश कर रहे थे। उस साल शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी समेत 10 पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने आईपीएल खेला था। सोहेल तनवीर राजस्थान की तरफ से खेल रहे थे। सोहेल ने 12.09 की असाधारण औसत से 11 मैचों में सर्वाधिक 22 विकेट हासिल किए। चेन्नई के विरुद्ध 14 रन देकर 6 विकेट लेने का कारनामा भी किया। आईपीएल 2008 में सबसे ज्यादा विकेट लेने के लिए पर्पल कैप अवार्ड मिला। अभी तक के आईपीएल इतिहास में यह पाकिस्तानी खिलाड़ियों के खेलने का पहला और आखिरी मौका साबित हुआ। सस्ता पड़ा महंगे पर भारी। आईपीएल 2008 ग्रुप राउंड समाप्त होने पर राजस्थान, पंजाब, दिल्ली और चेन्नई ने सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई किया। सेमीफाइनल में राजस्थान ने दिल्ली और चेन्नई ने पंजाब को हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। राजस्थान रॉयल्स फ्रेंचाइज फीस के आधार पर आईपीएल 2008 की सबसे सस्ती टीम थी। अब सवाल यह था कि क्या यूसुफ पठान, रविंद्र जडेजा, स्वप्निल अश्नोतकर जैसे युवाओं के दम पर शेन वॉर्न की अगुवाई वाली राजस्थान रॉयल्स धोनी, रैना, मुरलीधरन, एंटनी से लैस चेन्नई सुपर किंग्स हराकर पहली आईपीएल विजेता बन पाएगी। 1 जून 2008 को मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में राजस्थान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। चेन्नई ने सुरेश रैना के 43, पार्थिव पटेल के 38 और धोनी के 29 रनों की मदद से 163 रन बनाए। जवाब में राजस्थान ने 42 के स्कोर पर 3 विकेट खो दिए थे। यहां से पठान ने 56 रनों की पारी खेलकर राजस्थान को मैच में बनाए रखा। राजस्थान आसानी से मैच जीता दिख रहा था कि 139 के स्कोर पर 4 रन के अंदर ही कैफ, पठान और जडेजा आउट हो गए। लेकिन गेंदबाजी के लिए मशहूर तनवीर ने कोई गलती नहीं की और अंतिम गेंद पर मैच जीतने वाला शॉट लगाकर आईपीएल 2008 राजस्थान रॉयल्स के नाम किया। इस तरह 2008 आईपीएल खेल और व्यापार दोनों नजरिए से सफल रहा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ हमें फॉलो करें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।